मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सैनी एमएलसी ने सपा प्रत्याशी अजय मलिक को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय मलिक को करारी शिकस्त दे दी है। मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 12 अप्रैल को वोटों की गिनती सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई। कुल 14 टेबलों पर हुई गिनती के पहले चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को प्रथम चक्र तक कुल 358 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यपाल सैनी को 3098 वोट हासिल हुए और उन्होंने पहले ही चक्र में जीत का मुकाम हासिल तय कर लिया। बावजूद इसके दूसरे चक्र तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप मलिक को कुल 992 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा के प्रत्याशी सत्यपाल सैनी को 5906 वोटों की संख्या तक पहुंच चुके थे। इस तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह मलिक को कुल 1107 वोट प्राप्त हुए और वह एमएलसी बनने का सफर तय नहीं कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और संबल के पूर्व सांसद सत्यपाल सैनी को 6604 वोट प्राप्त हुए। और इस तरह सत्यपाल सैनी मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो गए। पूरी गणना के दौरान 114 वोटों को खारिज कर दिया गया। सत्यपाल सैनी ने 5533 मतों से जीत हासिल की। आप सबके सहयोग मुरादाबाद बिजनौर सीट के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, नगर पालिका के चेयरमैन हो, सांसद हो, विधायक हो, सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद इस जीत में शामिल है। हमारी संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं ने ताकत झोंकी है, उसके आधार पर ये प्रचंड जीत मिली है। मुझे लगता है कि यह चुनाव जाति, बरादरी, धर्म, दल, इससे भी ऊपर उठकर ये चुनाव हुआ है। अभूतपूर्व सभी जाति वर्गों का, धर्मों का समर्थन मेरे को मिला है, वोट के रूप में आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से ये बड़ी जीत है और ये एक विश्वास भी हमारे अंदर उन्होंने व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने व्यक्त किया है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजना हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना हो, वह सब पारदर्शी तरीके से सबके कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए योजना है। उनका भी पर्सनल बेनिफिट से लेके लाभ हुआ है, तो उन सब की सराहना करते हुए और जो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी ने बहाई है, जो देश में एक समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में भारत उभर रहा है, उन सबको देखते हुए इस देश की जनता का सबका सीना चौड़ा होता है, सबका सर ऊँचा होता है। तो निश्चित रूप से जैसा विकास, जैसा सम्मान देश का बड़ा है, प्रदेश की जनता का बड़ा है, उसी के आधार पर इस क्षेत्र के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी मेरे पक्ष में विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और बेहतर ढंग से विकास का काम हो, सम्मान का काम हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, वो प्रत्येक वर्ग के नीचे तक ले जाने का काम करेंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया और एक प्रचंड जीत ये भाजपा की है। तो निश्चित रूप से मैं उनका आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आगे की क्या योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं और आगे की लक्ष्य हमारा क्लियर है। हम लोग विकास को प्राथमिकता देते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जैसा कि हमारी सरकार का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से सबके लिए हम काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहे हमारी योजनाओं के माध्यम से हो, विकास का मामला हो, किसी भी क्षेत्र का हम कोई भेदभाव नहीं करने वाले हैं, सबका सम्मान करेंगे, सबको जोड़ के चलेंगे और जोड़कर ही इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए काम करेंगे।